छोटे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जाती है। इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि उनका सिस्टम डेवलप नहीं हुआ रहता और वो सारी चीज़ों को अच्छे से नहीं पचा पाते। जब वो माँ का दूध पीते हैं और माँ कुछ हैवी ले लेती है तो वो मिल्क भी उनके लिए काफ़ी हैवी हो जाता है, और बहुत सारे बच्चे जो कि ऊपर का दूध पीते हैं उससे भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। 6 महीने के बाद जब बच्चा खाना शुरू करते हैं तो भी उनके लिए चीज़ें नई होती हैं और काफ़ी चीज़ें उनके लिए हैवी हो जाती हैं और वो पचा नहीं पाते। इसके लिए आप रोज़ रोज़ ना तो उन्हें डॉक्टर को दिखा सकते हैं और ना ही ज़्यादा दवा दे सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ घरेलू नुस्खे जिससे बच्चों की कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम धीरे धीरे काफ़ी कम हो जाएगी। तो आइए देखें। पर उससे पहले बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल इंस्पिरेशन ऑफ प्रेरणा में। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। छोटे बच्चों को गर्म पानी से नहलाना चाहिए। गर्म पानी से नहलाने से बच्चों के पेट की मांसपेशियों को आराम मिलता है, वो थोड़ी ढीली पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से पेट में हो रहे कब्ज से भी काफ़ी आराम मिलता है और पेट दर्द में भी थोड़ा आराम मिल जाता है। छोटे बच्चों में भी फाइबर की कमी के कारण कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। सेब में मौजूद घुलनशील तत्व बच्चों में फाइबर की कमी को पूरा करते हैं और इससे कॉन्स्टिपेशन में भी आराम होता है। आप आधे सेब को काट कर उसे उबाल कर रस निकाल कर बच्चे की बॉटल में भर के दिन में कम से कम एक बार बच्चे को ज़रूर पिलाएं। पेट और पेट के निचले हिस्से पर मालिश करने से भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। दिन में कम से कम 2-3 बार मालिश जरूर करें। बेबी के पैरों को हल्का हल्का खिलाएं और साइकिल की मूवमेंट में चलाएं। ये कॉन्स्टिपेशन का सबसे अच्छा और सरल उपाय है। 6 महीने से ऊपर के बच्चों में पानी की कमी की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उनकी डाइट में लिक्विड चीज़ों को थोड़ा बढ़ा दें, जैसे कि सूप, जूस, फलों का जूस, ये सब देने से प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी और जल्द ही आराम मिल जाएगा। बच्चों की कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में टमाटर भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। आप टमाटर को ले लें और उसे 1 कप पानी में बॉईल कर लें और उसके बाद उसकी प्यूरी बनाकर बच्चे को दिन में 3 से 4 चम्मच 2-3 बार खिलाएं। इससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में धीरे धीरे काफ़ी आराम मिलेगा। 6 महीने से ऊपर के बच्चों में अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप किसी भी सब्जी या फल को उन्हें लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा देने की कोशिश करें सॉलिड फॉर्म की तुलना में। किसी भी फल या सब्जी को आप बॉईल कर लें और उसके बाद उसका सूप की तरह उसे पिलाएं, तो इससे कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी आराम मिलेगा। बहुत ठंडा नहीं, बहुत गर्म नहीं, गुनगुना गुनगुना खिलाने की कोशिश करें, इससे आराम जल्द ही मिल जाएगा। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम के लिए वर्जिन कोकोनट ऑयल भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर बच्चा 6 महीने से ऊपर का है तो आप उसके खाने में 2-3 बूंद वर्जिन कोकोनट ऑयल मिला दें, और अगर 6 महीने से नीचे का है तो आप उसके पेट की नाभि के आसपास थोड़ा सा कोकोनट ऑयल से मसाज कर दें, इससे भी काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। सौंफ कॉन्स्टिपेशन में बहुत फ़ायदेमंद होती है। 2-3 चम्मच सौंफ ले लें और उसे अच्छे से पानी में बॉईल कर लें, छान कर ठंडा कर लें और इसे बच्चे को दिन में 3-4 बार 1-1 चम्मच करके पिलाएं। और अगर बच्चा 6 महीने से कम का है तो माँ को ये पानी पीना चाहिए सौंफ वाला। पपीता फाइबर से भरपूर होता है, इसलिए अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है तो पपीते का गूदा निकालकर बच्चे को खिलाएं, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा और कब्ज़ की प्रॉब्लम जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अगर बच्चा ज़्यादा छोटा है तो आप इसे मैश करके थोड़ा पानी में मिक्स करके भी बच्चे को खिला सकते हैं, वो भी बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं, लिक्विड चीज़ें दें, इससे बच्चे में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होती है। जैसे जैसे बच्चे का सिस्टम डेवलप होता है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अपने आप कम होती जाती है। और अगर बच्चा 6 महीने से कम का है तो माँ को हींग, अजवाइन, काला नमक, सौंफ जैसी चीज़ें लेते रहना चाहिए। इससे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन, पेट दर्द, पेट फूलना जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती, और अगर होती भी है तो वो अपने आप दवा के ठीक हो जाती है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए।